हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विजयलक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड राजा एंड रानी बुक। दिस इज़ योर पेज नंबर 45 एंड टॉपिक इज गोइंग टू पिकनिक। दिस चैप्टर हैज़ सम पिक्चर्स लाइक ट्रेन। Look here, like train, hills, field, क्योंकि field में ही crop होते हैं। okay? तो next bus, moon, stars and moon also here. Okay, we are going to read sentences with the help of pictures. Let's start. No, first you can see here is some words. TRAIN, train. HILLS, hills. FIELD, field. BUS, bus. MOON, moon. STARS, stars. You can see here is pictures and here is these names, यानी कि जो pictures यहाँ पे बनी हुई हैं उनके names यहाँ पे नीचे आपके दिए हुए हैं words में, यानी कि जो picture जब हम इसको reading करेंगे, picture देखा, अब picture है क्या, तो हमें यहाँ नीचे उसके name देख लेने हैं और उसके help से हमें पूरा sentence complete कर देना है। और यहाँ पर देखिए टू पिक्चर्स हैं, यहाँ पे हिल्स है, हिल मीन्स पहाड़, तो यहाँ देखिए पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ग्रास नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, है ना, क्योंकि क्या होता है जब यहाँ पे रेन होती है तो सारा पानी नीचे चला जाता है, ऊपर जो होती है ऊपर की ज़मीन यहाँ पे कोई मतलब मॉइस्चराइजर नहीं रह जाता है, कोई जो धरती होती है एकदम सूखी सूख जाती है, तो पानी सारा नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे हम कोई भी कोई खेती नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो फील्ड का एरिया होता है वहाँ पे हम अपनी क्रॉप को ग्रोथ कर सकते हैं। क्रॉप मीन्स क्या होती है, फसल, जो हमारी जो फसल होती है हार्वेस्ट होती हैं उनको हम यहाँ पे उसको ग्रो कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड एरिया, यानी कि मैदानी क्षेत्र। जो आप देखते होंगे जब कभी कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे खेत और कई जगह पे आपको फसल दिख जाती हुई हैं हरी हरी पूरी, तो ये जो होते हैं वो प्लेन एरिया में होते हैं, जहाँ पे फील्ड होती है, जहाँ पे हिल्स होते हैं वहाँ पे अब ऐसा नहीं होता है। तो चलिए रीडिंग करते हैं हम लोग पहले ऊपर से। राजा एंड रानी गो टू पिकनिक। राजा और रानी पिकनिक गए। राजा एंड रानी गो टू पिकनिक। दे गो बाय, वे गए, किससे गए, बाय मतलब यहाँ पे देखिए ट्रेन की पिक्चर बनी है और हमें इसको ट्रेन पढ़ना है, तो दे गो बाय ट्रेन। ऑन द वे दे सी हिल्स, यानी उन्हें रास्ते में पहाड़ दिखे, एंड फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान, उन्हें रास्ते में पहाड़ और मैदान दिखे। इट इज़ नाइट, यह रात है। राजा एंड रानी रिटर्न बाय बस। राजा और रानी बस से वापस आए, रिटर्न मीन्स वापस आए, राजा एंड रानी बस से वापस आए। देखिए गए किससे थे, गो टू पिकनिक, दे गो बाई ट्रेन एंड रिटर्न बाई बस, ठीक है। दे कैन सी द मून, दे कैन सी द मून, वे मतलब मून मीन्स चंद्रमा, वे चंद्रमा को देख सकते थे। दे कैन सी द स्टार्स, वे स्टार्स मीन्स तारे, वे तारों को देख सकते थे। द मून
कम्स आउट एट नाइट। द मून, यहाँ पे मून लिखा नहीं है, मून ही बना हुआ पिक्चर, ठीक। तो जो चंद्रमा होता है वो रात में आता है या निकलता है, आउट मीन्स बाहर, ठीक है, वो रात में बाहर आता है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रीडिंग करते हैं पूरा चैप्टर, और इस बार सही से अच्छी तरह से मेरे साथ साथ फिंगर रख के आप लोग भी पूरी रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा एंड रानी गो टू पिकनिक। राजा और रानी पिकनिक गए। दे गो बाय ट्रेन। वे ट्रेन से गए। ऑन द वे दे सी हिल्स एंड फील्ड। ऑन द वे मतलब रास्ते में दे सी मतलब उन्होंने देखा, रास्ते में उन्होंने देखा हिल्स, हिल्स मीन्स पहाड़, एंड फील्ड पहाड़ और मैदान देखा। रास्ते में उन्होंने मैदान और फील्ड देखा। इट इज नाइट, यह रात है, ठीक है। ये लोग रात में जब वापस आ रहे थे देख के पिकनिक से, रात में आ रहे थे। राजा एंड रानी रिटर्न बाय बस। राजा और रानी बस से वापस आए। दे कैन सी द मून। वे चंद्रमा को देख सकते थे। दे कैन सी द स्टार्स। वे तारों को भी देख सकते थे। द मून कैन सॉरी द मून कम्स आउट एट नाइट। जो चंद्रमा था वो कब आता है बाहर? एट नाइट। कम्स आउट है बाहर आता है, एट नाइट यानी रात में। चंद्रमा रात में बाहर आता है या बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग भी अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि ये इन्हीं का जो एक्सरसाइज मैं बनाऊंगी और उसके क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ एक्सरसाइज, इसके बाद जो है मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज बनाऊंगी उसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड करी जाएगी, और उसी की पीडीएफ में जब ये चैप्टर आपको रीडिंग के लिए बुक में दिया जाएगा तब मैं इसका वर्क भी सेंड कर दूँगी साथ में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।